सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और पाइए कंपनी सेक्रेटरी स्कोर से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले यहाँ पर। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको जून 2018 का जो आपका भी टैक्स का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा विद लॉजिक्स। और इस वीडियो में हम 25 से 30 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम और क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि कैसे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है और फिर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आपको मैं आंसर बता रहा हूँ विद लॉजिक एक एक क्वेश्चन का, और उसको देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं, और इसके बेसिस पे आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व हो गया तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों, जो मेरे पास सेट है, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि जो मेरे पास सेट है इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड बाई, ये वाला क्वेश्चन है टैक्स का। तो आप अपने सेट से ये फर्स्ट क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, जैसे मैंने लास्ट दिसंबर का जब पेपर अपलोड किया था कि प्लीज़ दूसरे सेट के लिए भी अपलोड कीजिए वीडियो। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, बस उनका शफलिंग हुई होती है उसमें। आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन मिलाइए और उसके बाद फिर आगे चलते बढ़िए, आपका सारे सीक्वेंस वाइज मैच हो जाएगा। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फ़र्स्ट अपील कौन फाइल कर सकता है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कि जो फर्स्ट अपील होती है, फर्स्ट अपील हमारी होती है कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील जो होती है वो सेक्शन 246 ए में फाइल होती है, वो कौन फाइल कर सकता है इसमें पूछा गया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी फाइल कर सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट का जो आंसर है वो है बी, एसएससी ओनली। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आया है आपका सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि जैसे कि असेसिंग ने कोई भी फेलियर नहीं किया 139(1)(4) किसी भी सेक्शन में, तब भी जो एओ है वो 144 को अप्लाई कर सकता है किस सिचुएशन में। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन मेंशन है, जब अकाउंट्स की कंप्लीटनेस नहीं हो और जो मेथड है वो रेगुलर फॉलो ना किया हो और ICDS फॉलो नहीं किए गए हों। तो इसका जो आंसर है वो सेक्शन में 144 में एक कंडीशन मेंशन है, मतलब इसमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या तीनों होती है तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास राइट है कि वो सेक्शन 144 में असेसमेंट कर सके। तो जो सेकेंड का आंसर है वो है डी आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिर्फ ये पूछा गया है जो IT-80 में जो अपील फाइल होती है उसको अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करता है रिस्पॉन्डेंट, उसको कितने दिन का टाइम दिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो सेक्शन नंबर 253 सबसेक्शन 4 में मेंशन है, और इसके जो डेज मिलते हैं वो 30 डेज मिलते हैं रिस्पॉन्डेंट को, यानी थर्ड का आंसर आपका सी होगा 30 डेज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी फिर से ITAT से पूछा गया, ITAT के प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन नंबर है 254, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि जो ITAT है स्टे ग्रांट कर सकती है ओरिजिनल और सब्सिक्वेंट पीरियड में, तो बियॉन्ड कितने पीरियड्स के लिए वो स्टे ग्रांट बेसिकली कर सकती है। तो जो फोर्थ का आंसर है वो आपका ए रहेगा, 180 डेज। पांचवा जो पूछा है वो सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, जिसमें कि एक असेसी ने अपने घर पे जो AC इंस्टॉल है उसको दिखा दिया कि वो फैक्ट्री में इंस्टॉल है और उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। तो ये तो सीधा सा केस किसका बनता है, टैक्स इवेजन का, मैं टैक्स चुराने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर छठा फिर से ITAT से पूछा गया है, जिसमें कि पूछा गया है कि ITAT का जो ऑर्डर है अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो कितने दिन के अंदर अंदर आपको बेसिकली फाइल करना होता है वो हाई कोर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 6 260A सेक्शन नंबर 260A से आया है, क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें 120 डेज़ की टाइम लिमिट मेंशन है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, 120 डेज आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि जो टैक्स प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव बताइए। तो टैक्स प्लानिंग के यहाँ पे हमको चार ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं जिसमें कि हमें चूज़ करना है। तो सबसे पहला है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो कि ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा है अनहेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स का नहीं होता है अनहेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मिनिमाइज ऑफ लिटिगेशन ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, और इंक्रीजिंग टैक्स लाइबिलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सेवन्थ का आंसर आपका बी रहेगा, क्योंकि इसका आंसर है फर्स्ट और थर्ड, तो बी में फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन है आप। क्वेश्चन नंबर 8 जो आंसर है आपका उसमें पूछा है फैक्टर बताइए कि किस कैसे आप डिसाइड करेंगे कोई कंट्री टैक्स हेवन है या नहीं है। ये भी आपके मॉड्यूल में फैक्टर्स गिवन है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहला फैक्टर है नील रेट ऑफ टैक्स, जो कि हाँ है एक फैक्टर है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी एक फैक्टर है, और लिमिटेड रेगुलेशन भी एक फैक्टर है। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, यानी कि इसका जो आंसर है वो है सी, जिसमें कि 1, 2, 3 के ऑप्शन मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले प्रोविजन से आया है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो सेक्शन नंबर लगता है वो सेक्शन 92BA लगता है। इसमें पूछा गया है कि जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगती है उसके लिमिट क्या है। तो जो उसके लिमिट है वो है आपकी 2000 लाख, 20 करोड़ की लिमिट होती है। तो 9th का आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जो एडवांस रूलिंग लेते हैं वो किस पे बाइंडिंग होती है एज़ पर सेक्शन 245।
तो जो एडवांस रूलिंग ली जाती है, एक तो उस ट्रांजेक्शन पे होती है जिसके लिए वो ली गई है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, और एप्लीकेंट पे ही वो होती है। यानी इसका जो आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही बातें सही है। यानी आंसर जिसका है ए, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की प्रोविजन बताई गई है, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि जो सेक्शन 224 है जिसमें कि इनकम को डिफाइन किया गया है, उसमें बेसिकली क्या आपका इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे सबसे पहले बोला गया वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस बिजनेस का प्रॉफिट, कीम एंड इंश्योरेंस और गिफ्ट फॉर रिलेटिव 50,000 से ज़्यादा, तो ये चारों भी इंक्लूडेड होते हैं 224 में। तो 11th का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 12th में क्या है कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन पे कंपनसेशन मिला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। तो अगर आप सेक्शन नंबर 28 को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से जो कोई भी वो मिलता है कंपनसेशन, तो वो बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। तो यानी कि जो 12th का जो आंसर है वो बी रहेगा, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा बनाया है, पर अगर आप देखेंगे तो जॉन ने लास्ट ईयर 182 डेज से ज़्यादा तो इंडिया में रहा है, पर जो रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट के लिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं है इस केस में। यानी ये रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा पूछा गया है कि सरचार्ज कब लगता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी की इनकम कितने से एक्सीड होगी, तो सरचार्ज लगेगा, आंसर है 1 करोड़ से एक्सीड होगी। यानी 14 का आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 15 भी एक इजी क्वेश्चन था जिसमें कि नॉन रेजिडेंट के प्रोविजन के बारे में पूछा गया था और कौन सी इनकम उसकी इनकम में इंक्लूड होती है नॉन रेजिडेंट की, तो जो सैलरी इंडिया से रिसीव हुई है वो इंक्लूड होगी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट क्योंकि इसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 TTA में, पर पहले तो ये इंक्लूड किया जाता है, ये इनकम एग्जेम्प्ट तो नहीं होती, तो फर्स्ट और सेकेंड इंक्लूड होगा। और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कहाँ पे है, वो बांग्लादेश में है, तो वो नहीं होगी, और अनटैक्स इनकम तो कभी भी इंक्लूड होती ही नहीं है। यानी इंक्लूड सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाली इनकम होगी। यानी 15 का जो आंसर है वो है आपका बी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 एक सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़िए, द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द एक्ट ऑफ द बीइंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, और जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो कहता है डैश एवरी ईयर विल नॉट चेंज, विल सर्टनली चेंज और मे चेंज, तो इसका आंसर है मे चेंज, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस तो कितने दिन आप रह रहे हैं उस पर डिपेंड होता है, तो ये तो चेंज हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मे चेंज आएगा। 16 का आंसर यहाँ पे रहेगा आपका सी। 17 एक रूल नंबर 7 है इनकम टैक्स की, जो रूल है उससे आया है क्वेश्चन, जिसमें कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के लिए एक परसेंटेज प्रिस्क्राइब होती है, तो उसका आंसर सिंपल सी है, 65% and 35%। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी इनकम एग्जेम्प्ट जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम वाले चैप्टर से आया है, जिसमें कि पहला बोला गया HUF को जो रिसीव होता है शेयर वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 2 में, दूसरा जो LLP से प्रॉफिट रिसीव होता है वो 2A में 10-2A में एग्जेम्प्ट होता है, और इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होती, इसकी डिडक्शन मिलती है, तो ये पहले इंक्लूड होती है, यानी कि ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी, और इनकम फ्रॉम साख फंड एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 2 और सेक्शन 10(23BBA) में, तो इसका आंसर जो है वो है आपका 18 का बी, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का ऑप्शन को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट से आया है आपका, इसमें कि बेसिकली ये पूछा गया है कि 2 लाख रुपये की जो एसेट्स थी उसको बेच दिया 3.50 में और 2.90 इन्वेस्ट कर दिए, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसके में आपको सबसे पहले जितने आपने इन्वेस्ट करे वो लेने होते हैं और कॉस्ट आपको माइनस कर देनी होती है। यानी कि 90,000 रुपये का जो आपको बेसिकली जो आपके पास बच गए हैं इसकी अब कैलकुलेशन होगी कैपिटल गेन में से। अभी 90,000 का जो कैपिटल गेन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें से क्योंकि 50% जो इनकम है वो यूज कर लेते थे चैरिटेबल पर्पज के लिए, तो 90,000 में से 50% को भी हम हटा देंगे, तो जो 45,000 है वही बचेगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं 45,000 का कैपिटल गेन हो गया और 45,000 की चैरिटेबल इनकम मान ली जाएगी, तो द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डीम टू हैव बीन अप्लाई फॉर चैरिटेबल पर्पज इज 45,000, तो इसका आंसर है आपका 45,000। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कितनी लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुटी की मैक्सिमम सम कितना एग्जेम्प्ट होता है, तो इसका जो आंसर है वो बेस्ड है सेक्शन नंबर 10(10) ग्रेजुटी, जिसमें कि 10 लाख रुपए की लिमिट है, और 10(10AA) जिसमें कि 3 लाख की लिमिट है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21 LLP ने की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो कि मैच्योर होकर एक अमाउंट मिला है मैनेजिंग पार्टनर को, तो इसके बारे में बताइए कि अमाउंट टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है या क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अमाउंट कि मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से MD को मिला है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। 21 का आंसर है सी। 22 का आंसर जो है इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि 6 लाख रुपए कंपनी ने पे करे हैं, अब क्योंकि ये 2 साल पहले के शेयर थे तो अब ये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, इसलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के बाद हमें कैपिटल गेन पता लगता है इसमें, पर क्योंकि इसमें कैपिटल गेन निकाला नहीं, इन्होंने सिंपल पूछा कि 6 लाख रुपए जो रिसीव हुए हैं इस पर कितना टैक्स लगेगा,
तो अब हमारे पास, क्योंकि कैपिटल गेन तो है नहीं, हमें टैक्स बताना है, तो इस पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया कि मतलब ऑप्शन तो टैक्सेबल है, 20% ही करना है, ऑप्शन तो सी ही है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ऊपर इन्होंने इनको देखना चाहिए था। इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा गलत है ये क्वेश्चन जो मुझे लगा, क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है वो तो आप हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, इन तीनों से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन में यहाँ पे क्या बोला गया है, अदर हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्स से। यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव का होना चाहिए था, पर डी जो ऑप्शन है वो ए और सी का ही दिया गया है, तो यहाँ पे कोई करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। तो अब क्या सिलेक्ट करें, यहाँ पे बचता तो डी ही है, क्योंकि डी में बेसिकली दो तो कवर हो जाएंगे, तो यही मान लीजिए इसका आंसर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबसे ही सेट ऑफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि ये बताया है, पूछा गया है 3 लाख रुपए की मशीन थी जिसमें से 2 लाख की बेच दी, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो 1 लाख रुपए की मशीन बेच गई, 3 में से 2 की चली गई, तो अब ये 6 लाख वाली मशीन आपने 1 सितंबर को इंस्टॉल कर ली है, ये भी 182 डेज से ज़्यादा है, तो यानी कि कोई भी मशीन पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं, फुल रेट से डेप्रिसिएशन ही लगेगा। तो ये 3 में से 2 बेची, यानी 1 लाख रुपये ये बच गए और 6 लाख, यानी कि आपको सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लगाना है 7 लाख पर 15%, यानी 1,05,000 रुपये, यानी 24 का जो आंसर है वो आपका रहेगा सी, 1,05,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि एक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्वेश्चन है 44AD सेक्शन से, और 44AD में अभी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस टर्नओवर पे सिर्फ आपको 6% देना है, और अदर देन बैंकिंग से जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस पे आपको 8% ऑफ प्रॉफिट देना है। अब यहाँ पे जो टर्नओवर है 98,50,000 है, जिसमें कि 25 लाख के टर्नओवर इंक्लूड है, तो अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन इसकी ऐसे होगी, जो आपका 25 लाख रुपीस का तो टर्नओवर है ये, तो क्योंकि बैंकिंग चैनल्स था, इस पर तो 6% टैक्स लगेगा, यानी 1,50,000 रुपीस। अब 98,50,000 में से अगर हम 25 लाख माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 7,350 बचता है, जिस पर कि आपको 8% का टैक्स लगाना है, तो 5,88,000 ये आ गया प्लस 1,50,000, तो 7,38,000 इसका आंसर होगा। 25 का आंसर आपका बी है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, आने वाली वीडियो में मैं और भी इसके आगे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, तो आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि कब न्यू वीडियो आ रही है। दोस्तों इसी तरह से मैं और भी सब्जेक्ट से आपके पेपर सॉल्व करूंगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है या आपको कुछ कमेंट पर बताना है, अपना ओपिनियन देना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और अगर किसी भी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आंसर मैंने बताए हैं ये मैंने अपने ओपिनियन के बेसिस पे बताए हैं, हो सकता है कि इसमें से कोई आंसर गलत हो जाए या फिर मेरे आंसर और इंस्टीट्यूट के आंसर हो सकता है कोई मैच ना